किचन आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मफिन्स। इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस, शेयर माय वीडियो एंड लाइक आल्सो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 कप और 1/4 कप मेरे पास ऑल पर्पज फ्लावर है, हम इसको हमारे सिफ्टर में डाल लेंगे। 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अब हम इसको सिफ्ट कर लेंगे। हम इसको सिफ्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे ना सारे चंक्स बाहर निकल जाएंगे और हमारा जो बैटर है वो एकदम फ्लफी बनेगा। ये देखिए कितने चंक्स आए हैं। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। हमारा अच्छे से सिफ्ट हो गया है। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप ऑयल, 1 टीस्पून विनेगर, आप चाहे तो लेमन जूस भी ले सकते हैं यहाँ, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको विस्क कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। आप कोई भी टेम्परेचर का दूध ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप दूध डालूंगी बट मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके डालूंगी क्योंकि हमको बैटर बनाना है और ये ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बैटर के जैसे आ रहा है फॉर्म में। अब मैं हमारा रिमेनिंग दूध डाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बैटर बन गया है। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं मफिन बोल्स ले रही हूँ, आप चाहे तो मफिन ट्रे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मफिन कपकेक के जो वो होते हैं लाइनिंग्स, उसको मैं हमारे बोल्स में डाल लूंगी और फिर मैं एक स्पून की मदद से हमारा बैटर हमारे बोल्स में डाल लूंगी। हमको इसको भी आधा भरना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे 6 मफिन्स बन गए हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा टैप कर लेंगे जिससे ना सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। अब हम इनको 10 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में बेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे मफिन्स बेक हो गए हैं। अब हम इसको एक बार के लिए देख लेते हैं। ये एकदम अच्छे से, ये देखिए कोई भी बैटर नहीं चिपका है, मतलब ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे और अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे जो मफिन्स है इनको मफिन बोल से निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। अब मैं इनको, आप ये टोटली ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसमें स्प्रिंकल्स डाल रही हूं। आप चाहे तो जेम्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप चाहे तो इनको गर्म भी खा सकते हैं, इनका असली मजा तो गर्म खाने में ही आएगा, बट आप इनको ठंडा भी खा सकते हैं। हमारे चॉकलेट मफिन्स तैयार हैं। प्लीज लाइक माय रेसिपी एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज रिशिताज किचन एंड यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू।